हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल पे ब्लॉग वीडियो। मैं अभिषेक और आज हम लोग फिर निकल लिए हैं घूमने के लिए। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं इस बार थोड़ा स्टाइल बताएंगे। हम लोग जा रहे हैं स्पिटी वैली। उन्होंने बस पकड़ी थी और डिनर के लिए अभी हम लोग 11:15 पर रुके हैं यहाँ पर एक जगह। तो एक इशू मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितनी भी यहाँ बसेस चलती हैं, यहाँ की सरकारी बस भी, हम लोग सरकारी बस से HRTC की सबसे महंगी वाली बस से आ रहे हैं, ये लोग जहाँ भी डिनर के लिए रोकते हैं सबसे घटिया जगह चूज़ करके रोकते हैं। और हम लोगों को अभी जहाँ इसने रोका वो एक ऐसी जगह है जो जिस साइड से हम आ रहे थे वहाँ पर इतने सारे रेस्टोरेंट थे अच्छे अच्छे, लेकिन वहाँ पर उसने एक भी जगह नहीं रुका। वहाँ से यू टर्न लेकर रॉन्ग साइड पर एक ढाबा है जिसका नाम है मयूर ढाबा, वहाँ पर उसने आके उसको रोका। और उस ढाबे में मैं पहले भी वहाँ पर रुक चुका हूँ एक बार, उस ढाबे में लिटरली कुछ भी नहीं मिलता है। वहाँ पर केवल एक फाउंडेशन है कि 250 रुपये दो वहाँ पर थाली लो, और थाली का खाना इतना घटिया होता है। और बसेस हर बार आके वहीं रुकती हैं, सैंडविच मिलती है 120 रुपये की, बर्गर मिलता है 100 रुपये का, और सब कुछ इतना थर्ड क्लास होता है, पता नहीं क्यों HRTC वहाँ पर बसेस रोकता है। तो भाई लोग, मेरा फ्रेंडली सजेशन ये है कि अगर आप कभी आते हो उस रास्ते पर, आपकी बस रुकती है उस मयूर ढाबे पर जिसको आपने अभी देखा, तो आप बस से उतरिए और भाग के बस थोड़ा आ जाइए लेफ्ट साइड पे, आपको मिलेगा ये ढाबा झिलमिल ढाबा। भाग के झिलमिल ढाबे पे आइए और मस्त पराठे खाइए हमारी तरह। और हाँ, एक बात और, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे ज़्यादा फोकस जो मेरा होगा वो होगा इस ट्रिप के बजट में, तो खर्चे की बात शुरू करते हैं अभी। तो पहला खर्चा मैं आपको बता दूँ, जिस बस से हम लोग आए हैं वो है HRTC की हिमसुता बस, जो कि सबसे कॉस्टली HRTC की बस है। AC स्लीपर है, सेमी स्लीपर है। तो उसका टोटल कॉस्ट जो लगता है वो है करीब 1700। अगर आप कोई कूपन वगैरह ढूंढ लेते हो तो ठीक है, नहीं तो 1700 ही अगर मैं कॉस्ट मान के चलूँ। तो पहला खर्चा जो हमारा बनता है इस ट्रिप का वो है बस फ्रॉम दिल्ली टू मनाली, एंड इट्स कॉस्ट इज 1700 रुपीज़। बाकी खर्चा मैं आपको बताता रहूँगा। अभी हम लोग यहाँ बैठ के डिनर कर रहे हैं, तो ये सारे खर्चे अपन जोड़ते चलेंगे, देखते हैं पूरा ट्रिप कितने में हो सकता है। तो यहाँ का टोटल बिल जो हमारा हुआ है वो हुआ है 340 रुपीज़ 5 लोगों के बीच में। तो ये सब जोड़ते चलिए खर्चे में, सब टोटल करेंगे अपन एंड में। हम लोग वहाँ शाम को चले थे दिल्ली से, और अभी टाइम हो रहा है 10:15, तो काफ़ी टाइम लग गया है, इतना टाइम वैसे लगता ही है। और बस अड्डे पे अभी हम लोग यहाँ से उन्होंने कैब किया अपने होटल जाने के लिए। बस अड्डा शहर से बाहर है, तो आप लोग याद रखिएगा कि जो प्राइवेट बसेज हैं और जो सरकारी वॉल्वो हैं वो सारी बसेज जो हैं वो बाहर ही आके रुकती हैं, बाहर जो बस अड्डा है बड़े का। और जो मॉल रोड के पास जो बस अड्डा है उसमें सरकारी बसेज जो नॉन वॉल्वो हैं वो वहाँ आपको मिलेंगी, ये ज़रूर याद रखिएगा। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने 250 रुपये में तवेरा बुक की है, 5 लोग बैठ के इसमें जा रहे हैं अपने होटल। होटल में बात करते हैं। ओयो का है होटल विजयन, जो कि एकदम लिटरली मॉल रोड पे ही है, और खाने पीने की यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सब खाने पीने की बढ़िया चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कितने में हमने बुक किया होगा ये, कैन यू गेस? इसका कॉस्ट हमको आया 299 रुपीज़ ओनली पर हेड। इसमें हमने 2 रूम बुक किए हैं जो इनके डीलक्स रूम में सबसे बड़े वाले, उसमें 1 रूम में 2 लोग हैं और 1 रूम में 3 लोग हैं, 299। और ये रहा उसका वाउचर। खर्चे जोड़ते चलो बस,
शुरू करते हैं। थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन अपडेट आपको बीच बीच में देता रहूँगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये जो व्लॉग होगा वो दो चीज़ होंगी इसमें मेनली। पहला होगा बजट हर जगह का, क्योंकि सबसे बड़ा रुपया सबको पता है। दूसरी चीज़ जो होगी वो होगी इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन और बजट दो चीज़ मैं आपको बताऊँगा, जिससे कि आप इजिली अपना ट्रिप प्लान कर सको। जैसे हम लोग कर रहे हैं वो आप देखोगे ही कि इस इन्फॉर्मेशन और इस बजट के साथ कैसा रहा हमारा ट्रिप। तो बजट की अगर मैं बात करूँ तो बजट तो आपने अभी तक सब देख ही लिया होगा। मैंने आपको बस के बारे में बताया है, होटल का प्राइस बताया है, कितना हम लोगों ने डिनर में खर्च किया वो भी आपको बताया है। तो बजट का आप उसी तरह से अंदाज़ा लगाते रहो, जोड़ते रहो। इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इन्फॉर्मेशन ये है कि स्पीति जा रहे हैं जैसे आपको पता ही है, और हम लोग आ रहे हैं मनाली की साइड से। तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास दो रास्ते होते हैं अगर आप दिल्ली से स्पीति आना चाहते हो। पहला रास्ता है यही जो हम फॉलो करेंगे, आप देखते चलिए, उसमें मनाली आएगा, मनाली के बाद रोहतांग, फिर कुंजुम पास, फिर अल्टीमेटली हम स्पीति पहुंचेंगे। दूसरा रास्ता भी एक होता है, दिल्ली से आप शिमला जा सकते हो, शिमला से फिर नारकंडा, किन्नौर वैली वगैरह होते हुए टाबो नाको की तरफ से एंट्री मार सकते हो स्पीति में। तो दोनों रास्तों के अपने अलग फ़ायदे अलग नुकसान हैं। तो नुकसान की बात करूँ मैं तो, अगर आपको मोशन सिकनेस है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप शिमला वाला ही रूट फॉलो करिएगा, क्योंकि शिमला वाला रूट थोड़ा लंबा है और ग्रेजुअली उसकी हाइट बढ़ती है। और ये जो रूट है मनाली, आप मनाली पहुंचोगे उसके बाद सीधा रोहतांग की हाइट पे पहुंचोगे, उसके बाद फिर सीधा कुंजुम की हाइट पे पहुंचोगे, तो हाइट बहुत जल्दी बढ़ती है तो दिक्कत हो सकती है। और वहीं अगर मैं लैंडस्लाइड की बात करूँ तो लैंडस्लाइड का खतरा सबसे ज़्यादा है शिमला वाले रूट में, नारकंडा के पास वो सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, आप अपने हिसाब से ही उस तरह से ही प्लान करिए। दूसरी चीज़ ये है कि मनाली वाला जो रास्ता है वो साल में सिर्फ 4 महीने मैक्स खुला रहता है, क्योंकि उसके बाद रोहतांग बंद हो जाता है, आगे जाके कुंजुम बंद हो जाता है, सारा रास्ता अल्टीमेटली बंद ही रहता है। तो यही महीने हैं अगर आप मनाली से आना चाहते हो, तो यही 4 महीने बचते हैं आपके पास। अगले महीने से यहाँ बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाएगी, तो फिर केवल एक रास्ता बचेगा, वो है शिमला की तरफ से, वो भी अगर लैंडस्लाइड है या वहाँ पर कभी कुछ बारिश की वजह से कुछ हो जाता है तो वो भी बंद हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के आप अपनी ट्रिप प्लान करिएगा। अगर आप मनाली की तरफ से आते हो तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि मनाली पहुँचने के बाद आपको पूरा दिन यहाँ मनाली में रुकना पड़ेगा, क्योंकि मनाली से आपको सुबह 5 से लेकर 7 के बीच में ही निकलना है अगर आप अंधेरा होने से पहले स्पीति पहुँचना चाहते हो, स्पीति का मतलब काजा अगर पहुंचना चाहते हो। तो वही हम लोग करेंगे, आज हम लोग यहाँ पहुंच गए, आज हम लोग पूरा दिन यहाँ पर ओल्ड मनाली या मनाली कुछ भी एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे दाएं बाएं क्या है यहाँ पर आसपास में, आपको दिखाते रहेंगे यहाँ के कुछ फेमस कैफे वगैरह। उसके बाद हम लोग कल सुबह 5 बजे निकलेंगे अपने डेस्टिनेशन के लिए, डेस्टिनेशन स्पीति के लिए। तो बने रहिएगा। एक चीज़ और, एक चीज़ का मुझे बड़ा इंतज़ार है, वो है इसकी परफॉर्मेंस का। ये क्या है? ड्रोन। तो मैंने अभी ख़रीदा है ये ड्रोन, तो मुझे अभी इतना कुछ आइडिया भी नहीं है, इतना प्रैक्टिस नहीं है, मुझे डर बहुत लगता है उड़ने के बाद, तो देखते हैं कैसा होता है। तो हम लोग निकल चुके हैं ओल्ड मनाली घूमने के लिए, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ खाए नहीं है सुबह से, तो सोचा यहाँ आके कुछ खा लें, थोड़ी पेट पूजा कर लें। पूजा बोल रही है कि पेट पूजा कर लें। और ये यहाँ पर जिस मैं बैठे हुए हूँ, पंगी रेस्टोरेंट नाम है उसका, और हमारे होटल के जस्ट सामने ही है। मैं सब ने वही दिल्ली से आया तो क्या मंगाया होगा, आलू के पराठे और दही और चाय, वही मंगाया। यहाँ से तक खा के हम लोग निकलेंगे, पहले जाएंगे अपने टैक्सी वाले पास, वहाँ आपको बताऊँगा कि कितना हम लोग का टैक्सी में लगा है, उसके बाद हम चलेंगे ओल्ड मनाली। तो हम लोगों ने टैक्सी वाले से बात कर ली है, एक्चुअली हम लोगों ने पहले ही उससे कॉन्टैक्ट निकाल के गूगल से उसको एडवांस वगैरह दे दिया था, अभी उससे फ़ोन पे बात हो गई, और जो मैंने आपको अभी जगह दिखाई वहाँ पर वो मुझे मिल भी गया। तो मैं टैक्सी आपको आपको बता दूँ कि इनोवा हम लोगों ने बुक की है, जो कि 7 सीटर है, और 7 सीटर ड्राइवर को लेके होता है, और हम लोग 5 लोग हैं और टोटल 6 लोग भरेंगे उसमें, और एक सीट खाली रहेगी, इसमें सामान वगैरह सेट कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि सबके एक एक बैग हैं, एक एक दो दो बैग हैं सबके। तो टोटल जो उसने कॉस्ट बताना शुरू किया था वो उसने 22,000-23,000 के आसपास से बताना शुरू किया था इनोवा के लिए, और टाटा सुमो का जो वो बोलता है वो 18,000 बोल रहा था पूरे 4 दिन के काजा का वापस आने तक का। तो हम लोगों ने अभी इनोवा ही बुक किया है, और उसका टोटल कॉस्ट जो हमें पड़ा है वो हम लोगों ने बारगेन करके जितना पहुँचाया है वो 20,000 तक पहुँचा है। तो 20,000 है वो, कल सुबह हम लोगों को पिक करेगा होटल से ही, इनोवा है, और 4:30 या 5 बजे के आसपास
हम लोगों को निकलना पड़ेगा क्योंकि रोहतांग जितनी जल्दी पार हो जाए उतना अच्छा है, और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी वगैरह के लिए रुकते रहेंगे तो टाइम ज़्यादा लग सकता है। चलिए तो टोटल आप पर हेड अगर आप एक एस्टिमेट जोड़ रहे हो तो 20,000 को अगर 5 में डिवाइड करो तो 4,000 रुपये होता है। 4,000 रुपये एक एस्टिमेट में जोड़ लेते हैं तो अभी हमारा बस, होटल और कैब जो है वो कवर हो चुका है एक्सपेंसेस में। आगे देखते हैं और क्या क्या एक्सपेंस होते हैं। अभी चलते हैं ओल्ड मनाली। सीधा मैप लगाया हुआ है कैफे 1947 ओल्ड मनाली का, काफ़ी नाम सुना है। देखते हैं जगह भी मिलती है उसमें अंदर जाने की कि नहीं। यहाँ से हमारे होटल से 1.2 किलोमीटर है पैदल, 15-17 मिनट का। यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है। अभी क्या है, ज़्यादा ठंड भी नहीं है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, खट्टा मीठा जैसे नींबू पानी होता है बिल्कुल वैसे ही फ्लेवर। दिस इज ओल्ड मनाली एंड वी आर नाउ हेडिंग टुवर्ड्स कैफे 1947। जस्ट कैफे 1947 से खा पी के मस्त वहाँ चिल मार के आराम करके गद्दी में लेट लेट के निकले हैं अभी। और वहाँ पर हमने काफ़ी कुछ खाया, एक पिज़्ज़ा भी मंगाया, 4-5 कोल्ड ड्रिंक्स और 4-5 स्मूदी, 5 स्मूदी थी। तो जो वहाँ का टोटल बिल हमारा आया वो आया 1289 का मेन्यू हमारे पास, 1289 का बिल आया मेन्यू वगैरह हमारे पास। बाकी आप बस जोड़ते चलिए कि टोटल कितना खर्चा आता है इस पूरी ट्रिप का। और ये पूरा याशी वाला हिसाब किताब है, मतलब आप चाहते तो ऑमलेट और पराठा खा के भी होटल में बैठ सकते थे। हाँ मतलब कई हैं यहाँ पर। और ये वो पूरा हिसाब किताब है जिसमें आप पूरा एकदम सबसे कॉस्टली बस से आ रहे हो, आराम से इनोवा बुक करके जाओगे और कैफे 1947 में आप यूँ ही आ गए चिल मारने। आप बस जोड़ते चलिए, कंसोलिडेट करेंगे हम बाद में, फिर मैं आपको बताऊँगा कि मैंने कितना खर्च किया और आप कितना खर्च करके आ सकते हो। हम लोग जब कैफ़े 1947 से वापस आ रहे थे तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे एक पूरा ये जंगल टाइप का है, 20 रुपए की यहाँ एंट्री है, काफ़ी अच्छा है, पूरे पेड़ ही पेड़ हैं। और उस साइड वही रिवर है, आवाज़ आ रही है यहाँ तक, एकदम शांत जंगल जैसा माहौल। अब जो आप अगला सीन देखोगे इसके बाद वो सीधा कल का होगा और हम कल निकल रहे होंगे कहाँ, स्पीति वैली के लिए।
सुबह 3 बजे हमें उठना है, सुबह 4 बजे तक हमें रेडी होना है, 4:30 बजे के आसपास हमारी गाड़ी आ जाएगी, 4:30 बजे हम 4:30 या मैक्सिमम 5 बजे तक हम निकल लेंगे होटल से। ये मेरे लिए अभी करीब 6-7 घंटे इस चीज़ के, लेकिन आपके लिए मुश्किल से होगा 1 सेकेंड। सो वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग। देखा आपको 1 सेकेंड ही लगा ना, उस 1 सेकेंड में हमारी हो गई है 8 घंटे की नींद पूरी, 6 घंटे की हुई है शायद, 6 घंटे की नींद पूरी हो गई है। और 3 बजे हम लोग उठ गए थे, अभी टाइम हो रहा है 4:30 बज रहा है, कैब हमारी आने वाली है, चलिए देखते हैं। वो निकल लिए हैं, पर ये देखिए कि सुबह 4 बजे मॉल रोड कैसा लगता है। ये रहा हमारा होटल चांद के नीचे, सामान हो गया हमारा सारा सेट, चलते हैं रोहतांग की तरफ। टाइम हो रहा है 6 बजा हुआ है, हम लोग होटल से तो निकल गए थे करीब वही 4:30 बजे तक, लेकिन फिर पेट्रोल पंप नहीं खुले हुए थे, तो वहाँ पर ही होटल के पास ही एक पेट्रोल पंप था जहाँ पर हम लोग 5:30 बजे तक रुके रहे। 5:30 बजे वहाँ से चले हैं और आधे घंटे में हम लोग गुलाबा पहुँच चुके हैं। गुलाबा वो जगह है जहाँ पर आपको परमिट वगैरह दिखाना पड़ेगा, चेक पोस्ट है। और ये चेक पोस्ट का भी शायद टाइम कुछ इस तरह से है कि 6 बजे ही खुलता है, 5:30 या 6 बजे खुलता है, उसके बाद ही गाड़ी जा पाती है। तो जब आप आइए तो परमिट लेना मत भूलिएगा, बाकी हमने उस पर कोई खर्च नहीं किया क्योंकि ये जो हमारा पैकेज है गाड़ी का उसमें परमिट वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब इसके आगे हम लोग रुकेंगे माढ़ी में जहाँ पर खाने पीने की जगह होगी। अब हम शुरू कर रहे हैं थोड़ा मतलब लाइक यहाँ पर ड्रोन उड़ाने का सोच रहे हैं, ताकि यहाँ व्यू बहुत अच्छा है, पानी है, पहाड़ है, काफ़ी अच्छा व्यू है, बादल तो ऑसम ही है, बादल ही बादल कोहरा ही कोहरा। यहाँ माढ़ी पहुँच चुके हैं, यहाँ कुछ खाएंगे हम लोग, टाइम हो रहा है 7। निकल लिए हैं यहाँ माढ़ी से, 7:30 बजे हम लोग निकले हैं। हम लोग अपने साथ लेके जा रहे हैं, हम लोगों को अपने साथ लेके जा रहे हैं मिस्टर हुकुमचंद, बढ़िया एकदम गाड़ी चला रहे हैं, इनके ही भरोसे है हमारी ट्रिप पूरी होने वाली है। अब उनका नंबर भी लास्ट में दिया जाएगा, ज़रूर कॉन्टैक्ट करिए, और केवल स्पीति के लिए ही नहीं, लेह लद्दाख के लिए भी। चलिए कंटिन्यू करते हैं रोहतांग पास की तरफ। हम लोग पहुंच गए हैं रोहतांग पास। अभी हम लोग कितनी हाइट पर हैं, हम लोग हैं 13,058 फीट की हाइट पर हैं, करीब 4,000 मीटर की हाइट पर। हाँ ले चलो ले चलो, और व्यू देख लीजिए, ऐसा रोहतांग आपको इसी मंथ में मिलेगा, बाकी तो हर टाइम यहाँ पर बर्फ होती है। अब हम लोग यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे, जिससे कि थोड़ा बेटर व्यू है पहाड़ों का।
वहाँ से जाके हम थोड़ा शॉट्स लेंगे, अगर कम्फर्ट ही तो शायद ड्रोन शॉट भी ले लेंगे। चलिए इस जगह पर आपको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ इस जगह के बारे में। रोहतांग पास है ये, करीब 4000 मीटर की हाइट पर है, और हम जहाँ से आए हैं ये और हम जहाँ जा रहे हैं उन दो चीज़ों को कनेक्ट करता है। इसका मतलब ये कुल्लू वैली को कनेक्ट करता है लाहौल स्पीति से। वो हिमाचल का एक डिस्ट्रिक्ट है लाहौल स्पीति, तो लाहौल स्पीति दोनों मिल के बना है। और लाहौल स्पीति को अगर आप एरिया वाइज देखोगे तो हिमाचल के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज़्यादा एरिया वाइज जो है फैला हुआ लाहौल स्पीति ही है। लेकिन अगर पॉपुलेशन की बात करो तो सबसे कम पॉपुलेशन है यहाँ, पूरे हिमाचल की सबसे कम पॉपुलेशन है इस डिस्ट्रिक्ट की, लाहौल स्पीति की। और इंडिया, पूरे इंडिया का सेकंड लोएस्ट पॉपुलेशन जो है वो लाहौल स्पीति का ही है। जो फर्स्ट नंबर पर है वो है दिरांग वैली अरुणाचल प्रदेश की। तो 2011 की जो जनसंख्या हुई थी उसमें करीब 32,000 पॉपुलेशन थी लाहौल और स्पीति की। तो हम यहाँ रोहतांग से अब आगे चलेंगे, तो पहले हम एक्चुअली लाहौल में ही चलेंगे। ये पूरा रास्ता अगर मैं ग्रामफू में नहीं मुड़ूंगा तो आगे पूरा लाहौल है। यहाँ दारचा, जिस्पा और केलोंग वगैरह ये सब लाहौल का पार्ट है। ग्रामफू से जब मैं मुड़ूंगा तो आगे जाके आपको वहीं बताऊंगा आपकी स्पीति कहाँ से स्टार्ट होता है, दिखाऊंगा। गेट होगा हमारा वेलकम करने के लिए। उस मोड़ पर पहुंच गए हैं, उस मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां पर आपको बहुत ध्यान देना है कि अगर इस रोड पर आप सीधे चले जाओगे तो लेह लद्दाख चले जाओगे। यहां से मुड़ना है और मोड़ थोड़ा मुश्किल से दिखता है, लेकिन आपको एक बोर्ड ज़रूर दिख जाएगा, वो बोर्ड रहा ये। नेक्स्ट इज़ ग्रामफू। ग्रामफू, दिस इज़ द प्लेस विच इज़ कॉल्ड ग्रामफू, एंड देन इट्स छत्रू, देन बातल, देन काजा। वी वॉन्ट बी गोइंग टू समदो। समदो वो पॉइंट है जब आप शिमला की तरफ से आते हो तो समदो से ही आप स्पीति वैली में एंट्री करते हो। एक्चुअली समदो इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्पीति वैली फ्रॉम शिमला साइड। तो आप देखोगे अगर आप वहाँ से आप आते हो तो ये रोड लेके ये इस तरह से आपको शार्प टर्न लेना है। तो हम लोग 5:30 बजे अपने वहाँ पेट्रोल पंप से निकले थे मनाली से, तो अभी टाइम हो रहा है 9:15। तो रोहतांग पास वगैरह हमने अच्छे से क्रॉस कर लिया है, और किस्मत अच्छी थी कि हम लोगों को बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिली, कोई भी जाम नहीं, अच्छा टाइम है ये आने के लिए। और अभी टाइम हो रहा है 9:15, तो कितना टाइम लग गया, 5:30 से 9:15, तो करीब वही 4 घंटे से कम ही लगा है। ये जो व्यू आपने देखा है इसके साथ ही व्लॉग 1 को मैं यहीं करता हूँ एंड। ठीक है, व्लॉग 1 के एंड में हम लोग ग्रामफू तक पहुँच गए हैं, ग्रामफू से बल्कि थोड़ा आगे ही आ गए हैं। अब इसके आगे क्या क्या मैं कवर करने वाला हूँ ये जानने के लिए देखते रहिएगा, सेकंड एपिसोड जल्दी रिलीज़ होगा इसका। उम्मीद करता हूँ आपने स्पीति वैली की वादियों का पूरा मज़ा लिया होगा, हम लोगों ने तो बहुत लिया है। चलिए बाय बाय।